एक कलाकार को प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी एक आर्टिस्ट होता है वो बचपन में एक कितनी मेहनत करता है, और उसको बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो लोगों तक जो भी उसने सीखा है वो लोगों तक पहुंचा पाए अपना हुनर उसके पास जो भी है। तो ये तो बहुत मस्ट है एक कलाकार के लिए, प्लेटफॉर्म ही सब कुछ है मेरे ख्याल में। नहीं बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ कि बेसिकली हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है और जो हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है बेसिकली, तो ये हमारा कितना अमीर है, ये हमारी विरासत है और इसको हमें ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है, वेस्टर्न म्यूज़िक का प्रभाव है लोगों के ऊपर, वो भी सीखना चाहिए, लेकिन जो हमारा एक खुद का संगीत है ये हिंदुस्तानी संगीत, तो इसको प्लीज़ जो भी लोग गज़ल गा रहे हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। और अभी माहौल बहुत चेंज हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे म्यूज़िक को, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कलाकार जब तैयार होता है तो फिर वो सालों का रियाज होता है, उसकी मेहनत होती है, बहुत कुछ चीज़ें होती है, वो गुरु से तालीम लेते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस टैलेंट को शोकेस कर पाएं। एंड आई थिंक कलावर्सो ये प्लेटफॉर्म मैं लास्ट ईयर भी आई थी, एंड इट इज़ दी बेस्ट प्लेस कि आप अपना टैलेंट यहाँ पे दिखा सके, परफॉर्म कर सके, सो दैट आप मोटिवेट हो और अलग लेवल पे परफॉर्म करें। गज़ल ये पहले से बहुत पहले से ये फॉर्म ऑफ सिंगिंग है, फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, एंड गज़लों के साथ बिल्कुल अगर हम ही अभी के जनरेशन अगर अभी हम ही गज़लों को छोड़ दें, नहीं गाए, तो ये जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट जनरेशन भी इसे फॉलो नहीं करेगी। और ऐसी भी बात नहीं है कि गज़लें लोग सुनना पसंद नहीं करते, जगजीत जी की और ऐसे बहुत सारी गज़लें हैं जो होश वालों को खबर क्या जो जुबा पे रहती हैं। फिर कोशिश हमारी यही है कि गज़ल लोगों तक पहुंचे और आगे भी बढ़ते रहें।